रोजमर्रा में काम आने वाले 13 उपयोगी किचन टिप्स। किचन में काम करते हुए बहुत सी बहनों और बेटियों को छोटी छोटी बातों की जानकारी नहीं होती, जिसके कारण बहुत सी चीज़ों का नुकसान हो जाता है। हम यहाँ पर कुछ ऐसे ही उपयोगी किचन टिप्स शेयर कर रहे हैं जो रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ही काम आएंगे। टिप्स नंबर 1, प्याज काटने के बाद हाथों में प्याज की दुर्गंध आती है। इस दुर्गंध को दूर करने के लिए हाथों पर बेकिंग सोडा रफ करें, फिर साफ पानी से हाथ धो लें, प्याज की दुर्गंध नहीं होगी। नंबर 2, अधिकतर महिलाएं लहसुन प्याज का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रखती हैं, लेकिन ये जल्दी ख़राब हो जाता है। इसे अधिक समय तक स्टोर करने के लिए लहसुन अदरक को छीलकर धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें, ताकि उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहे। लहसुन अदरक को सूती कपड़े पर फैलाकर 4-5 घंटे तक पंखे के नीचे फैला दें, फिर मिक्सर में बिना पानी मिलाए पीस लें, जार में भरकर फ्रिज में रख दें। अदरक लहसुन का पेस्ट खराब नहीं होगा। नंबर 3, प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड पर लगे दाग धब्बों को साफ करने के लिए 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडे में आधे नींबू का रस मिलाकर बोर्ड पर अच्छी तरह मलें। चॉपिंग बोर्ड को 15-20 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। बाद में नींबू के छिलके से बोर्ड को रगड़कर साफ कर लें। चॉपिंग बोर्ड चमक उठेगा। नंबर 4, इसी तरह से वुडन के चॉपिंग बोर्ड पर लगे दाग धब्बों को साफ करने के लिए नमक का इस्तेमाल करें। 1 टेबल स्पून नमक में आधा नींबू का रस मिलाएं। इस पेस्ट को नींबू के छिलके पर लगाकर वुडन चॉपिंग बोर्ड को रगड़ें, फिर पानी से धो लें। वुडन चॉपिंग बोर्ड पहले की तरह चमकने लगेगा। नंबर 5, पीसे हुए मसालों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कांच के जार में भरकर रखें। टिप्स नंबर 6, पीसे हुए मसालों को खराब होने से बचाने के लिए उसमें 2-3 टेबल स्पून नमक मिला कर रखें। ऐसा करने से मसाले जल्दी ख़राब नहीं होते और उनमें फंगल व जाले नहीं लगते। टिप्स नंबर 7, नमक मिले मसालों का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि सब्जी में मसाले डालते समय नमक की मात्रा कम रखें। नंबर 8, पिसे हुए मसालों को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उन्हें फ्रीजर में के डोर की साइड पर रख सकते हैं। नंबर 9, केले को जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए उनके ऊपर के भाग पर वॉल पेपर लपेट दें। इससे केले जल्दी पकेंगे नहीं और न ही खराब होंगे। टिप्स नंबर 10, चावल के आटे को में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, अतः कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम के थोड़े से पत्ते डाल दें। कीड़े नहीं लगेंगे और आटा ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहेगा। नंबर 11, छिले हुए लहसुन को अधिक दिनों तक स्टोर करने के लिए इन्हें एयर टाइट डब्बे में बंद करके सुरक्षित रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि डब्बा पूरी तरह से सूखा। टिप्स नंबर 12, एयरटाइट डब्बे में छिला हुआ लहसुन रखें, लेकिन उसे धोए नहीं। पानी लगने से लहसुन जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले धोकर खाने में डालें। इससे लहसुन को 15-20 दिनों तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 13, हरे धनिये को अधिक समय सुरक्षित रखने के लिए पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। एक एयरटाइट कंटेनर में पहले टिश्यू पेपर रखकर बिना धोए हरा धनिया फैलाएं, ऊपर से दूसरे टिश्यू पेपर से कवर करें, कंटेनर को बंद करके फ्रिज में रख दें। हर 4-5 दिन बाद टिश्यू पेपर बदल दें। हरा धनिया 2-3 हफ्ते तक सूखेगा नहीं।
आ गया जी हमारा डिस्क्लेमर। इस वीडियो में बताई विधि तरीकों व दावों की हम पुष्टि नहीं करते, इन्हें केवल सुझाव के रूप में लें। इस तरह से किसी भी और भी अमल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ ही चैनल को बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।